बहुत बड़े इतने सुंदर शब्द कंपोज किया है प्रशांत जी ने, कंपोजिंग भी इतनी एक्सलेंट थी, और सुरेश जी ने पूरा डायरेक्शन और जो भी देखा है। मैंने बोला आ जाइए, अपन इसके एग्रीमेंट बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे कोऑपरेट भी किया, सारे पेपर्स वर्स और सब हुआ। फिर मैंने बोला 7 से 8 दिन मिनिमम लगेंगे इसको, बिकॉज ऑफ ऑडियो प्लेटफॉर्म पे और सब पर यू हमें अपलोड करना था। पर सुरेश जी बोले कि नहीं, मुझे ये संडे ही इसका इनोग्रेशन रखना है। तो एंटायर टीम हमारी उसने मेहनत करके आज 3 बजे इसको यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है। तो मेरी बिटिया की एंटायर टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत अच्छा चले। हमारी तरफ से भी इस पर बहुत मेहनत करेंगे, सोशल मीडिया थ्रू हम इंस्टा पे, फेसबुक पे और स्टोरीज चलाएंगे इस पे। मुझे बहुत बड़ी बात है, बहुत दिल से इन्होंने गाना लिखा और चलेगा ये सब, आपका प्यार भी मिलेगा हमारे साथ, सब मीडिया भी, अल्ट्रा जी हमारे साथ हैं, जयश जी हमारे साथ हैं, ये निश्चित रूप से अपना एक नाम कमाएगा। और शादियों में जहाँ दुल्हन जाएगी इसको याद कहा, आज मैंने इसको दिखाया ना तो जिनके यहाँ बेटी थी वो रोने लगे, पक्का रोने लगे। तो निश्चित ही सबको पसंद आएगा ये गाना, और दिल से लिखा हुआ गाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भरत के लिए सब को। डॉटर रिलेशन में रहता ही है, बोलने की बात ही नहीं। एंड जब आप लिखते हो तो आप उसी इमोशन और उसी सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए लिखते हो कोई भी। तो आई बिलीव अगर लोगों तक पहुंचता है, और सबसे बड़ी बात है अगर अच्छा लगता है तो इसको, इस गाने को उतना ही प्यार मिले जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। सो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन प्लीज करना चाहे तो कर सकते हो मीडिया से। पहले देख लेते हैं, मैं समाज में टूटते रिश्तों को जोड़ने के लिए, हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए आज जो चित्रा फिल्म्स ने जो है इस गीत को प्रेजेंट किया है, ये अपने आप में रिश्तों की खाइयों को भरने में एक कामयाबी समाज को प्रदान करेगी, यही मेरी जो है बधाई और शुभकामनाएं। सुरेश जी, आप कैसे इसका कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया? मैं ये गाना हम लोग प्रोड्यूस किए हैं, और इसको जो दिल से लिखा है भरत केडिया साहब ने, भाई हमारे बैठे हैं हमारे साथ में, इन्होंने अपने दिल के वो बयान कर दिए जो एक बेटी के लिए करता है बाप। इतना प्यार दिखाया कि उनकी बेटी कैसे उसको छोड़ के जाती है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट लड़कियों को होती है फादर से, तो आज छोटी उम्र में भी इनके इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं जो इन्होंने अपनी राइटिंग में इस गाने के अंदर डाल दिए, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है, क्योंकि इस युग के अंदर ऐसे शब्द का मिलना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन करेगी जिद ये कब कल से ना जो से जो इस घर जो पली। वाकई ऐसे शब्दों का जो उच्चारण किया है ना, निश्चित रूप से आँखों में आंसू आते हैं, और मैं धन्य हो गया कि हमारा निश्चित रूप से इतिहास बनेगा ये गाना, आने वाले हर शादियों के अंदर चलेगा। और अल्ट्रा म्यूजिक ने इसको जो देश में वर्ल्ड में जो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भरत भाई की लेखनी को और हमारे फिल्मांकन को किस तरह से आगे बढ़ाया है, तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा गाना आज अल्ट्रा को उन्होंने दिया है, और हमें इतना अच्छा गाना अल्ट्रा में रिलीज़ करने को मिला है। सो पहले सुरेश जी हमारे पास ये गाना लेके आए, मैंने बोला यूट्यूब पे है तो मेरे को पहले आप व्हाट्सएप पे भेज दो, क्योंकि बहुत सारे गाने आते हैं हमें, एक बार देख लेंगे क्या है। तो देखने के बाद तो इसलिए आंसू आ गए, बिकॉज ऑफ एक साल पहले मैंने मेरी बेटी की शादी की थी, सो मुझे वो पूरा पिक्चराइजेशन बाहर आ गया, और गाने के जो शब्द ऐसे थे ना कि जैसे मैं ही अपना विजुअल कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला समय छोड़े बगैर आप जल्दी मेरे पास आ जाइए, अभी मौका है शादी का, इतना अच्छा मौका है, सीज़न चल रही है, सो हम गाना जल्द से जल्द इसको रिलीज़ करेंगे। पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लग गया, बट उन्होंने आज संडे ही रिलीज़ करने का बताया था, तो हमारी एंटायर टीम ने 2 दिन में बहुत सारी मेहनत करके हर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने का प्लानिंग करके सबसे पहले यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया है, और अब हम सोशल मीडिया थ्रू इसको पूरा वर्ल्ड वाइड अच्छे से फैलाएंगे। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है कि
फेसबुक है, ट्विटर है कि अपना इंस्टा से सारे गाने को पूरी तरह से हम फैलाएंगे। और पूरी एंटायर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, खासकर इस फिल्म की हीरोइन है, इन्होंने तो बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं और बहुत ही अच्छा शुभम जी ने भी काम किया हुआ है। सो ऑल टीम को धन्यवाद मेरी तरफ से। नॉर्मली देखिए जब आप लिरिक्स लिखते हो तो आप एक इमोशन को डिराइव करके लिखते हो, तो जब ये लिखना गाना चालू किया था तो फिर यही सोच रहे थे कि भाई एक फादर क्या सोचता है अपनी बेटी के लिए, एक बेटी का क्या इमोशन रहता है अपने पापा की तरफ। और फाइनली देखिए जब आप एक गाना लिखते हो, अब नोबडी नोज द फ्यूचर ऑफ द सॉन्ग, बट अगर अच्छा हिट होता है तो मेरे ख्याल से फिर दिस सॉन्ग ऐसा लिखना डेस्टिन था, फिर ये अपने आप लिखा गया। मतलब प्रशांत जी आप काफ़ी गाने कैंपेन किए हैं बॉलीवुड में कंपोज, इसको कितना इमोशनल जर्नी रही आपकी? ये गाना जब लिरिक्स आए सामने तो बहुत ही डिफरेंट लिरिक्स है, और ऐसे गाने आजकल जनरली लोग नहीं बनाते हैं, ट्रेंडिंग में नहीं है, तो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स जैसे होते हैं उसी हिसाब से आपकी ट्यून भी बनती है, उस हिसाब से ही म्यूजिक भी जाता है, और अगर वो वैसा शूट हो जाता है तो फिर सोने पे सुहागा है। तो जब ये लिरिक्स है, भरत भाई ने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे इस गाने के, तो फिर ट्यून भी कोशिश हुई है कि वो दिल तक छुए, तो उस हिसाब से फिर म्यूजिक भी बना, आज वीडियो भी बना और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से रिलीज हो रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। हाँ जी हाँ जी, देखिए दुल्हन के पापा का हम लोग किरदार ढूंढ रहे थे तो बड़े बहुत ही अच्छे विचार हैं उनके, और बहुत अच्छा उन्होंने इसमें किरदार भी निभाया है गाने के अंदर, तो उनसे बात की तो वो एकदम तैयार हो गए, बोले हम करेंगे। अमिता जी से बात हुई तो वो भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको इस प्रकार के सब्जेक्ट अभी बॉलीवुड में भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये 90 में चलते थे इस टाइप के, तो अभी ऐसा गाना बनाना अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की बात थी, और वो करना चाहेंगे ऐसा राजू खेर जी ने बोला, अमिता जी ने बोला, तो दोनों तैयार हो गए तो हम उनको लेके आए सर। हमारा चित्रग्राही फिल्म्स बैनर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं हम लोग, और हम पहले भी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, अभी भी 2-3 फिल्में हम इस पर बना रहे हैं, और समाज के अंदर ऐसी जो कुरीतियां हैं वृद्धाश्रम की जो बनाए जा रहे हैं, और माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में डाल दिए जाते हैं बेटों बच्चों को एजुकेटेड करने के बाद, ऐसी कई फिल्में हमारी आ रही हैं। एक मराठी फिल्म आ रही है शॉर्ट हाइट पे खुटमा, और एक हमारी पुत्र मोह आ रही है, कोरी चुनरी आ रही है, तो हमारी 4-5 फिल्में इस वक्त प्रोजेक्ट पे है, और अभी एक गाना और कर रहे हैं हम लोग भरत जी के साथ। इनकी तो राइटिंग में अंदाज ही अलग है, क्योंकि इन्होंने जो इस गाने के अंदर लिखा ना, निश्चित रूप से जो गाना सुने हैं उनके आंखों में आंसू आया, मैं खुद भी रो रहा था अभी बैठा, तो जयेश जी भी बता रहे थे विजुअल देखता है बंदा, अपनी खुद की हिस्ट्री देखने लग जाता है, अब के भाई उसकी बहन है बिटिया है, तो निश्चित रूप बहुत अच्छे गाने के शब्द लिखे हैं सर। चलो दूसरी टीम आ जाए। तो म्यूजिक वीडियो तो मेरी पहली ही है ये अभी तक, और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट करने को मिला मुझे, सुरेश सर ने मौका दिया, धीरज सर ने बहुत अच्छा, हमने सब कुछ चीज़ें मैनेज की और बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छी टीम थी, अच्छा क्रू था, बहुत पेशेंटली सारा शूट कंप्लीट हुआ 2 दिन के अंदर, और आई होप आगे भी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें हम लोग, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद दिस टीम, एंड या दैट्स ऑल। मेरा नाम स्वाध्याय है और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सो मुझे बहुत मज़ा आया, सो मैं होप करती हूँ मैं ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्ट करती रहूँ। मेरा नाम है आयरा बंसल, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एल्बम शो का, मैंने शूट किए हैं बट वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, और शूट करने में बहुत मज़े आए, 2 दिन का शूट था, बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करते हुए, आई होप हम आगे भी काम करें, हमारा साथ में ही शूट था बहुत मज़े आए शूट करने में, और दुल्हन का एक्सपीरियंस अच्छा था, अभी जस्ट मैंने अपने पापा को सेंड किया है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा शूट हुआ है, आई होप हम साथ में काम करें, थैंक यू सो मच। आर्या को तो एक बार दुल्हन पहले बन गई है, अभी तो एक्सपीरियंस भी हो गया इसका। आपने कैसे कास्टिंग की, कैसे सेलेक्ट किया? अरे बहुत जद्दोजहद थी हमारे साथ, बहुत सारी लड़कियां देखी थी हमने,
हमारे भरत भाई जी को भी हमने दिखाया भाई कैसे करें, क्योंकि विचार भरत भाई जी के थे हमारे, जो उनके अंदर चल रहा है वो चीज़ हमारे अंदर नहीं चल सकती थी, वो क्या चाहते थे, क्या देखना चाहते थे। तो उस अंदाज में काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर आर्या को हमने पसंद किया और इन्होंने अच्छा किरदार निया भाई, इमोशन आप देख ही सकते हो, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। अरे आप और आगे क्या करना चाहती हो बॉलीवुड में? आगे मेरी एक साउथ की मूवी है, उसमें मेरा चल रहा है और वे वगैरह भी स्टार्ट है मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, देव नेगी जी से हमारी बात हुई ना, तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल अलग सॉन्ग है क्योंकि ट्रेंड ही नहीं चल रहा इस सॉन्ग का। तो बड़े खुश हुए, बोले नहीं यार मेरे को ये गाना करने का, तो बड़े उन्होंने चाव से इसको यस किया गाने को और वो आए और दिल से गाया उन्होंने स्टूडियो के अंदर, बड़ा दिल खोल के गाया और बड़े खुश हुए इस गाने को गा के, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके ये गाना था, क्योंकि गाने इस वक्त कुछ और चल रहे हैं। इस वक्त ऐसा गाना लाना उनके लिए एक बड़ा बहुत ही चिंतनीय विषय था, तो उन्होंने किया इस गाने को और बड़े दिल से गाया उन्होंने। अरे यार ये काफी अच्छे से शूट हुआ है, एक फिल्म का सॉन्ग लग रहा है। हाँ, फिल्म का सॉन्ग लग रहा है। पहले हमारे को अल्ट्रा में जयेश जी ने भी यही बताया, बोले कोई फिल्म का सॉन्ग है क्या आपका? मैंने कहा नहीं सर, हम फिल्म का नहीं है, मूवी टाइप का। लेकिन फिल्मांकन जो बहुत अच्छे से किया, डीओपी हमारे के प्रहलाद जी हैं, जो अपने काफ़ी उन्होंने फिल्में की हैं, राजनीति अपहरण, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रकाश झाजी के साथ फिल्में की हैं उन्होंने, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी सर पूरी टीम के साथ। Thank you.